बनासकांठा जिल्लाना पालनपुरना हेमतपुर गामना खेमदास करशनदास साधुना पुत्रने गामना लुखा तत्वोए ढोर मार मारता पुलिस फरियाद नोंधाई हती। जेमा गामना आवा सामाजिक तत्वो जाति प्रत्ये अपमानित शब्दो बोलता सामाजिक तत्वो सामे पुलिस फरियाद नोंधाई हती। त्यारे परिवार द्वारा आक्षेप करवामां आव्या हता के आ पांच लुखा तत्वो द्वारा अमारा परिवार ने रस्ता वच्चे उभा राखी अवारनवार मार मारवामां आवे छे। त्यारे हेमतपुर गामना खेमदास करशनदास साधुना पुत्रने असामाजिक तत्व द्वारा ढोर मार मारता तेमना पुत्रने जड़बाना भागे फ्रेक्चर थयो हतो। तेमज पांच लुखा तत्वो सामे तालुका पुलिस मथके फरियाद कर्याने एक अठवाडियानो समय थई गयो होवा छतां पण पुलिस कार्यवाही करवामां केम ढीली नीति करी रही छे। त्यारे परिवारनी एक ज मांग छे के पुलिस तंत्र आ लुखा तत्वोने पकड़ी जेलना सळिया पाछळ धकेले अने आ असामाजिक तत्वोनो जेलना सळिया पाछळ नहीं धकेले तो परिवार जिल्ला पुलिस वडाने रजूआत करवानी पण चीमकी उच्चारी हती। मारू नाम साधु खेमदास करशनदास अने अमे मारो भाई मारो दीकरो अमरात अने हूँ बने त्या उभा था गामना अमारा जोपानी अंदर तो जोपाना अंदरना भाग में उभा था त्यारे आ पांचे इसमो आवी मारा छोकराने गर्दापाटुनो मार मार्यो छे अने जड़बानुं फ्रेक्चर थई गयुं छे एवो मार मारवामां आव्यो छे। अमे तात्कालिक सारवार अर्थे सिविल हॉस्पिटल में दाखल कर्यो एनुं ऑपरेशन करायुं अने तारीख 18 अमे फरियाद दाखल करी छे अने अमारी फरियाद दाखल करी एटले ए पोलिस पार्टीए अमने सर्टिफिकेट एफआर फाड़ी अने एनी नकल अमने आपी छे। आज 10 दिवस थया पण एनु कोई कार्यवाही करवामां आवी नथी अने आ पांच तत्वो बहु माथाभारे होय बराबर लुखा तत्वो होय अने आ रीते मारझूड करवा एनी कोई कार्यवाही करवामां आवी नथी। जो अमने आ कार्यवाही न करवामां आवे तो अमने बहु मुश्किली वेठवी पड़े एम छे बराबर। तो आ लुखा तत्वो सामे कायदेसरने एफआर फाड़ी अने आ लोकोने अटकायत करवा में थाय एवं अमे रजूआत करी लीधी अने आ जो अटकायत करवामां ना आवे तो अमे लेखितमां अथवा अमे हिजरत उपर कलेक्टर साहेबना बंगले हिजरत करीशुं। અમને તકલીફ તો સાહેબ 10-15 વર્ષથી તકલીફ છે, અમને ખૂબ હેરાન કરે છે ને એનો ખૂબ ત્રાસ છે જાગીરદારોનો, અને જાગીરદાર મારા છોકરોને અવર જવર રસ્તામાં કોમ જતા હોય તો મારે છે અને મને ખૂબ હેરાન કરે છે। મારો છોકરો અહીંથી જતો હતો એને બોલાવી અને 2-3 લાફા માર્યા અને પોસ મણશ્યો મને, મારા છોકરાને ખૂબ જ માર્યો છે। હું છોડાવવા જઈ તો મને ધચેલું ગાલીને હેઠી નોસી, મારી સોડી છોડાવવા જઈ તો મારી સોડીના 2 હાથ પકડી લીધા, એક જણે મારી સોડીને લાત મારી। સાહેબ આ લોકોનો ખૂબ ત્રાસ છે, આ લોકો મને ખૂબ હેરાન કરે છે, મારા છોકરોને મારે છે, હવે મારવાનું શું કરવું કીધું સાહેબ? હા સાહેબ અમે થોડામાં ફરિયાદી આલી છે પણ ફરિયાદી લીધી અમારી ખરી પણ કોઈ એનું કોઈ થયું નથી સાહેબ, અને આ કેટલા દિવસ 8 દિવસ થયા સાહેબ પોલીસ અટકાયત નહીં કરો તો શું કરશો આપ? અમે સાહેબ હિજરત કરશું અમે। જીગર ઠાકોરનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ બનાસકાંઠા।